तो स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अ फ्रेज दैट एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। एक ऐसा फ्रेज जो एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की भांति व्यवहार करे, यानी विशेष विशेषण यानी विशेषता बताने का काम करे, तो उसे बोलते हैं फ्रेज। अब एडजेक्टिव कौन होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को विशेषता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव के जैसा जो काम करेंगे फ्रेज, उन्हें कह देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो लाइक एन एडजेक्टिव, बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह, इट मॉडिफाई या एड टू मीनिंग ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। तो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ये भी मॉडिफाई करेंगे एक नाउन और प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। तो ऐसी एडजेक्टिवल फ्रेज का भी काम होगा नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। और अच्छे से समझते हैं, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज मेड अप ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव फ्रेज किससे मिलकर बना होता है? एक एडजेक्टिव से अलोंग विद एनी डिटरमाइनर्स। और उसके साथ क्या हो सकते हैं? उसके साथ तो इस एडजेक्टिव साथ डिटरमाइनर्स हो सकते हैं, या मॉडिफायर जो इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करे वो मॉडिफायर हो सकते हैं, जैसे एडवर्ब। और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। दैट मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करेंगे, विशेषता प्रदान करेंगे, गुण प्रदान करेंगे। और कंप्लीट द एडजेक्टिवल एडजेक्टिव मीनिंग, और एडजेक्टिव के मीनिंग को भी कंप्लीट करेंगे, तो उन्हें कहेंगे एडजेक्टिवल एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, उनके साथ डिटरमाइनर या उसको मॉडिफायर होंगे, या उसके एडजेक्टिव एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे जो उसको मॉडिफाई करेंगे, या कंप्लीट द एडजेक्टिवल मीनिंग, और या तो एडजेक्टिव की मीनिंग को कंप्लीट करेंगे। द एंटायर फ्रेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। ये जो पूरा फ्रेज होगा एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन को वो मॉडिफाई का काम करेंगे, तो उन्हें कह देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। आई बाउट माई फेवरेट जैकेट टू स्कूल। ये कह रहा है कि मैंने खरीदा माय फेवरेट जैकेट टू स्कूल। स्कूल के लिए सिर्फ अपना फेवरेट जैकेट खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये आपका क्या हो गया, जैकेट नाउन हो गया, ठीक है। इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन? फेवरेट। और फेवरेट के साथ क्या लिखा हुआ है? माय, जो कि डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट और ये एडजेक्टिव, इन दोनों पार्ट को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों हिस्से है ना, ये एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहे हैं ना, इस नाउन को विशेषता प्रदान कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। द सिंगर वाज वंडरफुली टैलेंटेड। ये सिंगर सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, और ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएंगे, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इसमें जो टैलेंटेड है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, और इसके पहले वंडरफुली जो एलवाई पे खत्म होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो ये जो एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव और मॉडिफाई करने वाले वर्ड, इन दोनों को मिला के कह सकते हैं कि वंडरफुली टैलेंटेड क्या हो गया, कि ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। सी फेल्ट अलोन इन द वर्ल्ड। तो सी सब्जेक्ट हो गया, फेल्ट वर्ब हो गया, अलोन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अलोन यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, और इन द जो वर्ल्ड है ये क्या है? एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इसके आगे ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है। अलोन एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो जो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये इसके लिए सी के लिए आया है, प्रोनाउन के लिए आया है। तो सी फेल्ट अलोन, तो सी फेल्ट अलोन, अलोन यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये पूरा यहां से यहां तक हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और ये आपका क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। तो जो इंग्लिश है वो आपको धीरे धीरे ही सीखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे ऐसे आप बहुत सारे चीजों की प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे एक एक चीजों को जानोगे, समय दोगे इंग्लिश में, तब आपको ये चीजें आने लगेगी और आसान हो जाएगी, ठीक है। अभी कुछ कुछ वर्ड आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये सब हमें समझ में आने लगेंगे, इजी हो जाएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है, ए किड ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई।
तो एक बच्चा, तो ये हो गया नाउन, इसको इसको विशेषता प्रदान कर रहा है, तो वो बच्चा बच्चे के बारे में बता रहा है कि ऑन द रूफ, बच्चा जो छत पर है इज लुकिंग एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देख रहा है या आसमान को देख रहा है। तो ऑन द रूफ जो है ये इस नाउन के लिए आया है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो नाउन को मॉडिफाई करे यानी उसकी विशेषता प्रदान करे उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो ये देखोगे प्रीपोजिशनल शुरू है, नाउन पे खत्म है, तो हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं, लेकिन इस समय ये भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे, ठीक है, या एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे कह रहा है द बॉय, अब दोबारा आ गया ना, द बॉय इन द शॉप इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जो बॉय नाउन है और इस नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है कि लड़का कहाँ है, तो इन द शॉप, तो ये आपका क्या है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसी सी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, उसने खरीदा क्या, एक बहुत ही सुंदर भूरी रंग की चेयर, चेयर नाउन हो गया और नाउन के पहले क्या आते हैं, ब्राउन, तो ये ब्राउन ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, तो ये आपका ना इस नाउन को विशेषता प्रदान कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव है और ये एक वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ऐसे कह रहा है ए लेडी विद लॉन्ग हेयर इज वॉकिंग इन द गार्डन, तो अ लेडी विद लॉन्ग हेयर, तो इसी नाउन के बारे में ये वर्ड बता रहा है, तो इसे बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे लिखा है सी गेव मी ए कप फुल ऑफ टी, तो ये जो कप नाउन है और नाउन के बाद जो ये वर्ड आया है ये इसी कप के लिए आया है, तो ये भी इसे विशेषता प्रदान कर रहा है, कह देंगे कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कप को। ए स्टूडेंट फ्रॉम माई कॉलेज वॉन द कॉम्पिटिशन, तो एक स्टूडेंट फ्रॉम माई कॉलेज वॉन द कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट के जिक्र कर रहा है कि फ्रॉम माई कॉलेज यानी ये इसकी पहचान बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज।